कंबोडिया दौरे पर आएंगे राजनाथ सिंह। 22-23 नवंबर को कंबोडिया जाएंगे राजनाथ सिंह। आशियान रक्षा मंत्री प्लस बैठक में होंगे शामिल। और पीएम इमरान खान फिर शुरू करेंगे लॉन्ग मार्च, समर्थकों से 26 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचने की अपील। पन्ना में हीरा पन्ना ज्वेलरी की दुकान में आईटी की रेड, छापेमारी में 25 किलो सोना और 50 किलो चांदी बरामद। तहखाने में छिपाकर रखे थे सोने और चांदी के जेवर। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान, मध्य प्रदेश में ऑनलाइन गेमिंग पर लगेगा बैन। गृह विभाग ने फॉर्मेट को अंतिम रूप दिया। गोवा में 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत, गोवा पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। फिल्म महोत्सव में 79 देशों की 280 से ज्यादा फिल्में देखने का मिलेगा मौका। युद्ध की समाप्ति तक ब्रिटेन यूक्रेन के साथ, ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने 50 मिलियन पाउंड पैकेज का किया वादा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 22 महीने बाद ट्विटर पर वापसी, हर सेकंड बढ़ रहे हजारों फॉलोअर्स। दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड में आया नया मूड, छतरपुर के जंगल से 17 हड्डियां बरामद, पुलिस ने डीएनए जांच के सैंपल भेजे लैब। यूपी के सोनभद्र में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध शराब का जखीरा किया बरामद, ट्रक में लदी 547 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद। मंगलुरु ऑटो ब्लास्ट मामले में हुई गिरफ्तारी, पुलिस ने सुरेंद्र नाम के संदिग्ध को किया गिरफ्तार, पूछताछ के लिए कोयम्बटूर ले गई पुलिस। गुजरात बीजेपी में पार्टी अध्यक्ष की बड़ी कार्रवाई, पार्टी अध्यक्ष ने निर्दलीय चुनाव लड़ रहे 7 नेताओं को पार्टी से निलंबित किया। अमेरिका के नाइट क्लब में चली गोलियां, 5 लोगों की मौत, 18 घायल, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। भारत ने न्यूजीलैंड को 65 रन से हराया, दीपक हुड्डा ने 10 रन देकर झटके 4 विकेट, सूर्या ने टी20 करियर की लगाई दूसरी सेंचुरी। संयुक्त राष्ट्र जलवायु आपदा कोष के गठन पर बनी सहमति, गरीब देशों को मुआवजे पर समझौते की उम्मीद बढ़ी। मुकेश अंबानी नाना बने, बेटी ईशा को जुड़वा बच्चे हुए, बेटी को आदित्य और बेटे को कृष्णा नाम दिया।